खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खड़ीमा से है, जहां भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा कृषि मंत्री समेत खड़ीमा के अध्यक्ष नंदन सिंह खड़ायत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने खड़ीमा के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर खड़ीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी पर गंभीर आरोप लगाया। नंदन सिंह खड़ायत ने क्षेत्रीय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी पर आरोप लगाते हुए बताया कि एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी खड़ीमा विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों में उनका कोई योगदान नहीं दिख रहा है तथा विधायक क्षेत्र में नदारद है और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधानसभाओं में भी उनके द्वारा कोई आवाज नहीं उठाई जा रही। चुनाव के दौरान विधायक द्वारा जारी घोषणा पत्र के मुताबिक भी आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया गया है, जबकि मुख्यमंत्री पर लगातार दोषारोपण का कार्य करते रहे। उन्होंने कहा कि विधायक मुख्यमंत्री पर बेबुनियाद आरोप लगाकर जनजाति समाज को भी गुमराह कर रहे। विधायक कापड़ी कार्य न करने देने का झूठा आरोप लगाते रहते हैं, जबकि उन्होंने विधायक निधि से आज तक क्षेत्र में बिल्कुल ही कार्य नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा आवारा पशुओं से निजात हेतु गौशाला निर्माण के लिए 1 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। मुख्यमंत्री धामी द्वारा घोषित सारे विकास कार्य खटीमा में हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जो भी घोषणाएं की हैं, सारे विकास कार्य प्रगति पर हैं, जिनमें से कुछ घोषणाएं पूर्ण भी हो चुकी हैं। नंदन सिंह खड़ायत ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपनी विधायकी कार्यकाल में ही अधिकांश विकास कार्यों की आधारशिला को रखा था, जो आज पूरा किया जा रहा है। और इस खटीमा विधानसभा के चुनाव का जो नतीजा आया था उसको पूरे एक वर्ष पूर्ण हो चुका है और उस एक वर्ष क्षेत्र की जनता ढूंढती रहती है। वो अधिकांश समय इस खटीमा की नजारत मिलते हैं, इस खटीमा उनकी उपस्थिति बहुत कम रहती है और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने की जगह पार्टी के द्वारा यहाँ पे आयोजित की गई है। और इस प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि खटीमा के क्षेत्रीय विधायक का एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और इस एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा खटीमा के विकास में कोई योगदान नहीं दिया गया, न ही क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए उनके द्वारा कोई सार्थक प्रयास किए गए और इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए उन्होंने विधानसभा में अभी तक कोई प्रश्न नहीं किया। वो इस खटीमा की हर छोटी बड़ी जो है समस्याएं होती हैं, उस समस्याओं के लिए सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी को आरोपित करने लगते हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने इस कार्यकाल में इस खटीमा क्षेत्र के लगातार भ्रमण किए, लगातार यहाँ प्रवास किया और यहाँ क्षेत्र की हर छोटी बड़ी समस्याओं के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित, जो लोगों ने उनका ध्यान आकर्षित किया उसका समाधान किया। चुनाव के दौरान क्षेत्रीय विधायक के जो दल है कांग्रेस, उसके राष्ट्रीय स्तर के नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी द्वारा इस खटीमा के सार्वजनिक मंच पर ये कहा गया था, यदि पुष्कर सिंह धामी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए तो यहाँ खटीमा में जनजाति की भूमि जो है उसे छीन ली जाएगी। जबकि एक साल का कार्यकाल हुआ, आज एक साल पूर्ण हो चुका है, ऐसी कोई घटना इस खटीमा क्षेत्र में नहीं। माननीय विधायक जी ने अपने घोषणा पत्र में तमाम प्रकार के वादे इस खटीमा की जनता से किए। उन्होंने कहा कि मैं इस खटीमा में जो जल भराव की समस्या है इसका निदान कर दूंगा, खटीमा में जो पहनिया टोल है यहाँ पे जो है खटीमा की जनता को जो है ये टोल नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो आवारा पशुओं से जो है जनता परेशान है इसका निदान मैं करूँगा। लेकिन इस प्रकार का कोई भी कार्य उन्होंने अपने एक वर्ष में नहीं किया, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी मैं जो है कि गौशाला के लिए 1 करोड़ रुपए की जो है राशि की घोषणा की गई। आज खटीमा क्षेत्र के अंदर जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के तहत हो रहे हैं या उनके विधायक कार्यकाल में जो कार्य प्रारंभ होता है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सारे कार्य अपने जो है मुख्यमंत्री कार्यकाल में किए, जितने भी विकास कार्य इस खटीमा क्षेत्र में हुए हैं उन सबकी आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विधायक कार्यकाल में रखी। 2012 से लेकर 2017 तक का जब इस प्रदेश में कांग्रेसी सरकार थी और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इस खटीमा क्षेत्र के विधायक थे,
यदि उस कार्यकाल को भी देखा जाए तो इसे खटीमा में कई ऐसी उपलब्धियां जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने विधायक कार्यकाल में विपक्ष के विधायक के होते नाते किए। क्षेत्रीय विधायक लगातार आरोप लगाते रहे कि नहीं मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, जबकि उनकी अपनी जो विधायक निधि है वो विधायक निधि भी अभी तक वो खर्च नहीं कर सके। तो इस प्रकार के लगातार जो है छोटी बड़ी चीजों के लिए मुख्यमंत्री का दोषारोपण करना, इस उनके एक साल का जो कार्यकाल वो पूर्ण रूप से नकारात्मक रहा, खटिया में कोई विकास कार्य नहीं हुए, इसी उद्देश्य को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी